तो भाई न्यूयॉर्क से कराची और लंदन लाहौर तक तमाम देखने सुन समझने वालों को मेरी यानी आर्टिस्ट जैंग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग आए हुए हैं कराची एक्सपो और बहुत टाइम बाद कराची एक्सपो हैं और आने की वजह जो है वो मैं नहीं बताएगा आपको। आशिर आशिर क्यों आए हम लोग यहाँ पे? वालेकुम अस्सलाम, पहली बात अस्सलाम वालेकुम, पहले कहानी था बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्यों आए हम लोग यहाँ पे? भाई जान यहाँ पे पार्क व्हील का कार मेला लगा हुआ है, सही है, तो उसी को एक्सप्लोर करने आया है थोड़ा सा। ठीक है, और बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक्चुअली आइडिया हमें भी नहीं है कि सीन यहाँ पे हो क्या रहा है और क्या क्या सीन है यहाँ पे, तो चलते हैं देखते हैं अंदर और क्या मामलात हैं, क्या लगा हुआ है हमें तो कुछ जीरो जीरो आइडिया है हमें ना, तो अंदर आके देखते हैं क्या मामलात हैं, तो चलते हैं अंदर। आदि यहाँ पे एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ मिली मुझे और गाड़ी दिखा रहा हूँ आपको जो मैं ये वाली, और बताएं कि इस गाड़ी की आप क्या रेट लगाते हैं, और मिलते हैं इनके ऑनर से और पूछते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, गाड़ी है कौन सी वाली, सही गाड़ी कौन सी है और क्या मांग रहे हैं इसके आप? सर ये कमांडो जीप है M151, ये 1990 मॉडल है, आर्मी ऑप्शन की जीप है। ठीक है, ये 2009 की सिंध की रजिस्टर्ड है और ये पूरी हमने 0 to 100 तैयार करी, रीस्टोर करी है पूरी। इसमें हमने ट्रैक्टर के टायर इंस्टॉल करे पंजाब से मंगा के, मिकी थॉम्सन के ओरिजिनल अलॉयज है इसमें, 2C डीजल इंजन डला हुआ है इसमें 2000cc, सही है। और इसके अलावा विलीज पे हमने थोड़ा इंस्पायर होकर इस पर बनाई है और थोड़ा इंडिया की जीपों से थोड़ा इंस्पायर हुए हैं उधर से। वो थार होती है वहाँ पे, कोई स्कॉर्पियंस होती है वहाँ पे ना? हाँ, थार और दूसरी जीप है ना वहाँ की ओपन जीप, उनसे थोड़ा इंस्पायर होकर बनाया है। मूसे वाला टाइप का ना? जी सिद्धू मूसे वाला टाइप। ठीक है, किससे डिमांड क्या है आपकी? हमारी 2.6 मिलियन डिमांड है। 2.6 मिलियन डिमांड है आपकी? यस। और फाइनल कितने छोड़ देंगे आप? सर वो तो ऑफर पर डिपेंड करता है, ऑफर डिपेंड करता है। चलें थैंक यू भाई। डेढ़ साल 2 साल 3 लोग
हैंडल लॉक की है, फुल लॉक की है और बिल्कुल पावर ऑफ लॉक की है। टाइमर के बाद वो अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्लाह दित्ता। क्या चीज़ है ये? ये सर इलेक्ट्रिक बाइक है। सही है। 2,30,000 रुपए की फ्यूचर है ये। सही है। इसका ये फ्यूचर है, इसमें 2,30,000 रुपए की 60 की स्पीड है, 90 किलोमीटर पर चार्ज में चलेगी। 60 की स्पीड है और 90 किलोमीटर एक चार्ज में चलेगी। रेट्स वैसे अलग अलग भी है सारी बाइकों के। वैसे आप इसका पूछ रहे तो आपको इसको बता दें, इसमें वराइट सामान रखने की जगह भी है, स्पेस वगैरह सब कुछ हो गया। आप इस पर सामान वगैरह रख सकते हैं, ब्रेकेट लगा हुआ है, आप बंद कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। और की लॉक भी है, की लॉक भी आपको देंगे इसमें हम लोग, हैंडल लॉक भी है इसमें। ठीक हो गया। डिजिटल मीटर है। चार्जिंग टाइमिंग क्या है इसकी? सर 5 घंटे में चार्ज होती है। ये रेड वाली? ये रेड वाली C1 है हमारे पास सर। C1 है। इसकी 50 की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर चार्ज में चलेगी। ठीक हो गया। इसका वही सामान वगैरह रखने की जगह भी है, की लॉक्स वगैरह भी है। सर इनमें किलोमीटर का और स्पीड का फर्क है। ठीक हो गया। बाकी उसके बाद हमारे पास जेंजी है, 1,70,000 रुपए की है सर। 1,70,000 रुपए की। इसकी 50 की स्पीड है, 55 किलोमीटर पर चार्ज में चलेगी। ठीक हो गया। इसका मोटर में इनका फर्क हो जाता है। सामान वगैरह उसमें भी सेम, ये सिर्फ निशा में जो चीज हमारे पास उसमें स्पेसेस कम है। ठीक हो गया। अच्छा ये वाली ये भी सेम है? क्या ये भी सेम है? वो निशा है, वो 1,55,000 रुपये। 1,55,000 ये अच्छा सर, ये भाई को बता, ये बेस्ट फाइन लग रही दूसरे जी, क्या चीज़ है ये? ये 45 की स्पीड है, 55 किलोमीटर चलेगी। 1,55,000 इसकी प्राइस है। ठीक है। 1,70,000 इसकी प्राइस है, 50 स्पीड है, 55 किलोमीटर चलेगी। सेट हो गया। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई। अब ये पार्किंग मोड में हम इसको रेडी मोड में लाने के ब्रेक क्लिक करेंगे, ये रेडी मोड पे आ गया। सही है। अब हमने इसको रेस देनी है और ये चल पड़ा। आवाज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल साउंड प्रूफ है। और ब्रेक और रेस है, दो चीजें हैं इसमें, इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं। जो बाइक सीख रहे हैं भाई वो इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इजी और खास तौर पे फीमेल ज्यादा ले रही है यहां से, क्योंकि वो इजी है उनके लिए। क्या डिमांड है सर? 2,30,000 रुपए। थैंक यू भाई, कोई बात नहीं। थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, गाड़ी कौन सी है, क्या सीन है इसका? भाई ये 1974 टोयोटा मार्क 2 है। ठीक है। और इसमें जो इंजन डला हुआ वो डला हुआ 3SFE। ठीक है। ऑटोमेटिक में। ठीक है। और बाकी इसके ना पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, पावर लॉक सब पावर है। एसी भी इसका इंस्टॉल्ड है। और बाकी साउंड सिस्टम इसके अंदर 5-स्टेट कलर हुआ है बाहर। और बाकी जो तो बाकी बचा गया है इसमें लगाने के लिए, बस अलार्म तो वो भी लगा दिए, जब जो मिला वो लगा दिया आपने। जो मिला वो लगा दिया। माशाल्लाह बेस्ट है सर। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की आप? डिमांड मैं 1380 कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ पर भी? आप जी जी, ये वाली गाड़ी है। क्या थी इस गाड़ी का भाई? ये 1980 करोला है। ठीक है। K70 बोलते हैं। ठीक है। अपने स्टॉक इंजन पर है, 4K पे। बाकी मॉडिफिकेशन करी हुए, फेंडर्स निकाले हैं बाहर, बाकी रिम डाले हुए, फोलो रिम डाले हुए। इंजन क्या है इसका? इंजन है 4K। 4K इंजन है इसका। 1400 जो होता है। ठीक हो गया जी। सर डिमांड क्या कर रहे हैं आप? डिमांड में से कर रहा हूँ 680। 680 जी। बेस्ट गाड़ी, मजे की गाड़ी है। थैंक यू भाई। कितना बोल रहे हैं?
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम भाईजान, ये गाड़ी कौन सी है, क्या स्पेक्स है उसकी? सर होंडा कॉट K24 स्टॉक इंजन पे। ठीक है, एयर सस्पेंशन लगा हुआ है, बाकी रैप है मल्टी कलर के अंदर। ठीक है, ये और जो है सिंपल डिम लगे हुए हैं, कोई खास मॉडिफिकेशन नहीं हुई गाड़ी में। होंडा कॉट है इसलिए ओरिजिनल मॉडिफाइड आई है, इस वजह से कुछ ज्यादा डिसेंट गाड़ी बनाई है। डिसेंट गाड़ी है पर यार लुक थोड़ा प्यारा है माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू भाई। अच्छा, ये गाड़ी की क्वालिटी ये पहले ही ऊपर हो गई किसी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं एयर सस्पेंशन। ये भाई भी खड़े हैं, क्या बोलते हैं इसको? एयर सस्पेंशन। एयर सस्पेंशन बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं था ना यार। नहीं सर, वो फिसफिस है। फिसफिस है क्या है वो? फिसफिस। फिसफिस है वो, ठीक है। सारे बॉयज हमारे कराची वाले ना बिल्कुल ये लव है कराची। इट्स अ क्रेज। क्या है ये? इट्स अ क्रेज। क्रेज? या हमारा मुंह पे जबान में बल नहीं है बोलते हुए। नहीं बल तो भैया हम लोग आए हुए थे एक्सपो और यहाँ पे हो रहा था पार्क व्हील्स का कार मेला और मुझे बहुत सारे दोस्त मिले हैं। मुझे पहले इनका मैं गाड़ी का रिव्यू कर रहा था कि दोस्ती अच्छी खासी हो गई, तो पूछते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए क्या हो रहा है, क्या नाम है, कब से कर रहे हो, क्यों है ये? भाई ये 2 साल से कर रहे हैं, बिला वजह है बस, ये समझना। बिला वजह ही है? हाँ बिला। शौक वगैरह है इसका? नहीं नहीं शौक तो वही ना, शौक नहीं, 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 शौक के बगैर काम होता नहीं ना ये वाला। हाँ, पूछ रहा था यार। तो शौक है ये वाला? जी जी बिल्कुल। कितनी गाड़ियाँ माशाल्लाह आपके पास हैं? यार 4 गाड़ियाँ, 2 तैयार हो रही है, बाकी 2 बन चुकी है। नहीं, आपको लग रहा है मैं ब्लॉग में ले रहा हूँ, मैं ब्लॉग में ले नहीं रहा, मैं दुआएं लोगों से करवा रहा हूँ ताकि ना दुआओं के बाद क्या पता अगले एग्जीबिशन में 25 गाड़ी मेरी करी। इंशाल्लाह। जी भाई मेरा थम आ रहा है, अब तो नहीं आ रहा? भाई ने बताया कि थम आ रहा है मेरा, दोबारा लेंगे वाला शॉट। हाँ भाई कब से कर रहे हो अलग काम बताओ ना। ये होते कैमरा शायद बोलते भाई थोड़ी मैं थोड़ी भाई छापा थोड़ी पड़ा किसी का। क्या कब से कर रहे हो भाई, कितनी गाड़ियाँ तुम्हारे पास हैं? इसको तो बनाया मैं 2 साल हो गए। सही हो गया, से बने थे, तैयार अभी हो गई 6 महीने पे। अच्छा अच्छा, तो 4 गाड़ियाँ माशाल्लाह और हैं आपके पास के अलावा? बाकी एक अभी ऑल्टो तैयार, चारों मॉडिफाइड है भाई की, ऑल्टो तैयार हो रही है अभी एक। ठीक है, और बाकी एक सिलिका बननी है मेरी 1974। मेरी तैयार हो रही है? तुम्हारी ऑल्टो तैयार हो रही है? 2000 तैयार क्यों नहीं हुई अभी तक? मैं तैयार हो चुका हूं, देखो पानी नहीं आ रहा यार, लिख के पानी नहीं आ रहा। एक मशवरा ये लिख के लगा लो, तैयार हुआ हूं मैं। लोग जज कर रहे हैं मसला हो रहा है, क्या लिखा हुआ है? नहीं सकते जॉर्डन, तुम लिखवाओ ले यारी। बलूच भाई यार ले ली थोड़ी, ले ली। अच्छा भाई ऐसे ले लेते हैं भाईजान, माशाल्लाह 4 गाड़ियां और है आपकी। जी आपने देखा भी इनका गाड़ी का इंटरव्यू हुआ। आपका नाम भाई, मैं नाम पूछना भूल गया आपका। सर रेहान। सर रेहान नाम है आपका? रेहान। सर रेहान नाम है आपका? सर पढ़ाते हैं आप? सिर्फ आशिक बने हैं, इनका नाम आशिक बने हैं। ओह माय गॉड, आधे से कराची में काम कर रहा है वो भी आप काम कर रहे हैं। नाम है अंतल हयात। क्या नाम है इनका? अंतल हयात। किसका? इनकी बंदी का। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। इनकी बंदी का नाम है अंतल हयात। अबे ये कोई डिस्ट्रिक्ट है गाड़ी का बंदी का नाम है? सर बंदी अलग है, गाड़ी का शौक अलग है। ये मेरा नाम गुलाम मुस्तफा है। सही है, बाकी इंस्टा आईडी मुझे याद नहीं, देख लेता हूं। इंस्टा आईडी नहीं, कोई पेज बना होगा, कोई ग्रुप होगा, कोई टीम होगी आपकी? टीम पावर है फिलहाल, तो मैं सर्च करूँ फेसबुक पे टीम पावर तो मिल जाएगा उसमें? नहीं आएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा, वो कोरियर पे आ जाएगा, दराज पर आ जाएगा, दराज पे भी आ जाएगा। है क्या भेज है? अपना भेज है बजूगा V6 के नाम से। किस नाम से? बजूगा V6। बाजूका V6 सही हो गया। इंस्टाग्राम के ऊपर? जी जी ठीक हो गया। सर आपको कोई नाम पता एड्रेस शासी कार्ड नंबर डोमिसाइल PRC? सर आप ऐसे पूछ रहे हैं, मेरा एड्रेस ले रहे कसम से। चले भाई बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की अता फरमाए। गाड़ी लेके आइएगा जरूर। मैं इंशाल्लाह मैं जेब में चलाऊंगा गाड़ी अपना, दिखाने वाली नहीं होती वो, नहीं हाथ चलानी होती वो वाली, वो गाड़ी लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। वही लेने बहुत है सर। जरूर जरूर सही है भाइयों। या भाई ये भी आया था मेरे साथ, ये भी तो आया हुआ था, भूल गया इसको मैं, भूल गया। ये इस हाथ रहता है मेरा यार, ये भाई है मेरा भाई है। इनको भूल गया, इनका बैठ गया, इनको भूल गया, वो पीछे भाग गया। कौन? वो हमारे रसल भाई, वो गाड़ी में बैठ गया, बुद्धे आए तो आए यार। ये गाड़ी सुना इनकी गाड़ी है ये जो है ना हमारे बड़े भाई। अब तुम आओगे मेरी वीडियो में बारंबार?
गाड़ी क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? मेरा नाम अरसल है। क्या नाम है? मेरा नाम अरसल है। अरसल नाम है, अरसल क्या करते हो आप? सीमेंट का। सीमेंट का। ओके 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 ओके। कभी टाइम मिले सीमेंट के भाई के मुंह भी लगा देना। बहुत बहुत गजब बेइज्जती है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन मुंह है सर, बात सारी है अंडर कंस्ट्रक्शन मुंह है ये वाला। नहीं सर, बात सारी है। ऐसे मुंह पर राशन मिलता है पता आपको? नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जब उसके मुंह में नहीं, मेरे मुंह में कहां से मिलेगा? ओके जी, ये था आज का व्लॉग और उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। और ये व्लॉग बेसिकली उन लोगों के लिए जो गाड़ी को पसंद करते हैं, गाड़ियों को मॉडिफाइड या जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनको पसंद करते हैं। ये व्लॉग बेसिकली उनके लिए था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें जो आप करते हैं, और बताएं ज़रूर कि ये व्लॉग कैसा लगा आपको। जो दिखा सका मैं दिखा सका आपको, गाड़ियाँ बड़े मज़े की थी, लोग बड़े मज़े के थे, इवेंट बड़े मज़े का था। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें, मिलते किसी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए चलो शाबाश। अगला